हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू क्लास थर्ड, सॉरी क्लास सेकेंड। आई होप यू विल बी फाइन। टुडे मोरल इज हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम यू ऑन एक्शंस। खुशी बच्चों क्या नहीं होती है, रेडीमेड नहीं होती है, इसे अपने एक्शन से बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपका चैप्टर है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 16 एंड आवर चैप्टर 16 इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों परिवहन की विधि। ठीक है, डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी डिफरेंट तरीके का ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट तरीके की परिवहन। फ्यूल मीन्स ईंधन। ठीक है, व्हीकल्स यूज्ड इन सिटीज एंड विलेज यानी व्हीकल का यूज़ सिटीज़ और विलेज में। ठीक है, हाउ डू यू ऑल कम टू स्कूल एवरी डे, हाउ डू योर पेरेंट्स गो टू वर्क। यानी बेटा क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाते हो और कैसे जाते हो। ठीक है, हाउ डू योर पेरेंट्स गो टू वर्क, आपके पेरेंट्स किसी भी कार्य करने को के जो भी वर्क करते हैं वो कैसे करने जाते हैं। ठीक है, मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो ह्यूमन बींग्स हैड टू वॉक टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेटर दे रोड एनिमल्स एंड यूज्ड देम टू कैरी थिंग्स। ट्रैवलिंग इन दिस वे वॉज वेरी स्लो। ट्रैवलिंग मीन्स होता है बच्चों यात्रा करना। ठीक है, यानी हज़ारों वर्ष पहले लोग क्या बेटा कैसे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर वो कैसे जाते थे, पैदल घूमते हुए जाते थे। लेकिन फिर यानी कुछ एनिमल्स का, कुछ पहले के समय के लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए, जो कि वो वेरी स्लो चलते थे, बहुत धीरे धीरे चलते थे। ठीक है, अब देखिए, अर्ली वुमेन्स सॉ दैट रोलिंग थिंग्स ऑन लॉक्स ऑफ वुड वॉज इजियर देन ड्रैगिंग देम। ओवर मैनी ईयर्स देयर वर एबल टू क्रिएट व्हील्स फ्रॉम लॉक्स ऑफ वुड विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, ट्रेवलिंग बिकम फास्टर एंड इजियर, पीपल स्टार्टेड यूजिंग कार्ट्स ड्रॉन बाई एनिमल्स, नाउ वी कैन ट्रेवल इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स, वी कैन गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस क्विकली। देखिए बच्चों, अर्ली ह्यूमंस ने देखा यानी पहले के मनुष्यों ने देखा कि किसी भी रोलिंग थिंग्स को और जैसे लकड़ी के गट्ठर को आसानी से क्या किया जा सकता है, माउंटेन से ड्रैगिंग किया जा सकता है, उसे लुढ़काया जा सकता है और वो लुढ़क सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब उन्होंने ये पाया तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया और उसी से सारे कार्ट्स यानी बैलगाड़ी बुलक्स वगैरह जो हैं सारे चलने स्टार्ट हो गए। किसके द्वारा, बाय एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, और अब देखिए, अब क्या होता है, वी कैन ट्रेवलर इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट व्हीकल से ट्रेवल कर सकते हैं। अब डिफरेंट व्हीकल हो गए ना, बहुत से हो गए, यानी मोटरसाइकिल, बुलेरो और बहुत सारी व्हीकल्स हैं, बस ट्रेन, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। वी कैन गो टू फार ऑफ प्लेसेस क्विकली, और ये हमें क्या कर सकते हैं बेटा, ये हमें बहुत जल्दी से आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी डिफरेंट तरीके का ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स टू ट्रैवल, हम लोग किसी भी स्थान पर ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट तरीके के व्हीकल का यूज़ करते हैं। अ वे ऑफ कैरिंग गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। यानी बच्चों, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स मीन्स यहाँ होता है बेटा माल, जो किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग ले जाते हैं, जो प्लेस पर ले जाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना किसी भी सामान को, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब देखिए बेटा, द व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जिन व्हीकल का यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट कहलाता है। सम व्हीकल्स आर स्लो, सम आर फास्ट एंड सम आर वेरी फास्ट। कुछ व्हीकल होते हैं जो स्लो होते हैं, कुछ होते हैं जो फास्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो वेरी फास्ट होते हैं। अब देखिए स्लो व्हीकल में कौन कौन से आते हैं, साइकिल, साइकिल रिक्शा, बुलक कार्ट, रोबोट, ये सारे किस में आते हैं, स्लो व्हीकल में आते हैं। फास्ट व्हीकल में कौन से आते हैं, देखिए बच्चों बस, स्टीम इंजन, शिप, ये सारे फास्ट व्हीकल में आते हैं। वेरी फास्ट व्हीकल में कौन से आते हैं, एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, ये सारे किस में आते हैं, वेरी फास्ट व्हीकल में आते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों व्हीकल लाइक बसेस एंड कार मूव ऑन द रोड, ट्रेन्स मूव ऑन द ट्रैक्स, एरोप्लेन्स मूव इन द एयर, शिप्स एंड बोट्स मूव ऑन द वाटर। देखिए बच्चों बस और कार मूव करती है रोड पर, ट्रेन मूव करती है ट्रैक्स पर, और एरोप्लेन मूव करती है एयर में, और शिप मूव करती है वाटर में। ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिफरेंट नीड्स, यानी हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वी चूज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वी वॉन्ट टू ट्रेवल, द टाइम वी हैव एंड मनी वी वॉन्ट टू स्पेंड। देखिए बच्चों हम लोग को कहीं जाना होता है, हम लोग अपनी दूरी देखकर उसी हिसाब से हम लोग अपने व्हीकल का चूज़ करते हैं। जैसे हमें यहाँ से कहाँ जाना हुआ, मान लीजिए हमें यहाँ से चौक जाना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटो कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्हीकल होते हैं, छोटे छोटे रिक्शे होते हैं, उसको कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ से लखनऊ जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो मैक्स करते हैं, या तो कुछ लोग होते हैं ट्रेन करते हैं, या तो कुछ लोग बस से जाते हैं। ठीक है, और अगर हमें कहाँ जाना हुआ, दिल्ली जाना हुआ, मुंबई जाना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग अपने डिस्टेंस देख कर ही अपने व्हीकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अपने मनी के हिसाब से करते हैं। अब देखिए बच्चों व्हेन वी हैव टू ट्रेवल फॉर वी यूज़ अ कार, बस, ट्रेन, बोट, शिप और एन एरोप्लेन, एयर ट्रेवल इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। सम व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रेन्स एंड शिप्स आर यूज्ड टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब बच्चों हम कहीं दूर जाने के लिए कार या बस का, ट्रेन का, बोट का, शिप का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, या एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस यानी अब उसकी दूरी देखकर हम करते हैं। ठीक है, एयर ट्रेवल इन द फास्टेस्ट वे गो एनीवेयर, यानी क्या होता है, ये एरोप्लेन जो होता है वो एयर में बहुत जल्दी क्या बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा। सम व्हीकल लाइक ट्रक्स, जैसे ट्रक, ट्रेन, शिप, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग गुड्स जो होते हैं, यानी माल जो होते हैं, उसे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रक वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। अब देखिए मोस्ट व्हीकल नीड सम फ्यूल टू मूव, फ्यूल्स बर्न इनसाइड अ मशीन टू गिव इट इज एनर्जी टू मूव, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल इज पेट्रोल, डीजल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल एंड। देखिए बच्चों व्हाट फ्यूल डज योर स्कूल बस नीड टू मूव, आप फ्यूल समझ रहे हैं, फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन होता है, यानी किसी भी व्हीकल को मूव करने के लिए किसी न किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे लाइक दैट पेट्रोल, डीजल, ठीक है, होती है ना, तो उसी तरीके से बच्चों जैसे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स इज पेट्रोल, डीजल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल, ठीक है, जैसे ये सारे ईंधन हो गए, आपको समझ में आया ईंधन क्या होता है, यानी जो हमारे व्हीकल में जैसे पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, तो ये सब हमें क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों आपका थिंक एंड आंसर दिया गया है, विच व्हीकल विल यू यूज़ इफ़ यू वॉन्ट टू रीच अनदर सिटी वेरी क्विकली, यदि आप किसी शहर बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हो तो आप किस व्हीकल का यूज़ कर सकते हो, तो बेटा ये आप अपने अकॉर्डिंग राइड करोगे, क्योंकि अगर आपके पास जिस तरीके से मनी होगा आप उसी तरीके से, यानी आप दूसरे सिटी जाना है आपको तो आप क्या कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आप अपने मनी के अकॉर्डिंग क्या करोगे,
अपने व्हीकल को तय करोगे। अब देखिए आपके स्कूल बस में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, यानी पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, कोल पड़ता है, क्या पड़ता है, तो ये आपको ही राइट करना है, ठीक है। और बच्चों हाँ एक बात और देखिए, शायद मैंने आपको पिछले चैप्टर की वर्ड मीनिंग यानी चैप्टर 15, ठीक है, चैप्टर 15 की वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर नहीं राइट कराया है, तो आप इस वीडियो से देखकर ये चैप्टर 14 की वर्ड मीनिंग है, ठीक है, चैप्टर 14 की वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर है। ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं चैप्टर 14 के, और यही आंसर आपको क्या करने हैं बेटा, देखिए बच्चों ये है आंसर, ठीक है, ये क्या है, आंसर्स हैं, ठीक है, ये आंसर नंबर 1 है 2 है 3 है, और 3 क्वेश्चन है, ये चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर है। राइट ऑल क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग कंप्लीट इन योर फेयर कॉपी थ्रू द वीडियो, ओके। अब देखिए बच्चों, अब आपको अभी आपका चैप्टर 15 बचा हुआ है, 16, ठीक है, आपको हम 16 चैप्टर पढ़ा रहे थे। अब है उसके आगे था बेटा डीजल गिव आउट हार्म स्मोक विल बर्निंग, जब हम लोग क्या करते हैं इन सारी चीज़ों को जलाते हैं तो स्मोक निकलता है, ठीक है, हार्मफुल स्मोक निकलता है, द स्मोक मेक्स द एयर डर्टी, और वो स्मोक क्या कर देती है, एयर को डर्टी बना देती है, एंड कॉजेज एयर पोल्यूशन, और इसी के कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। फ्यूल्स लाइक CNG एंड इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, जैसे CNG और इलेक्ट्रिसिटी इन चीज़ों से एयर पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए व्हीकल्स यूज्ड इन सिटीज़ एंड विलेज, व्हीकल का यूज़ करते हैं लोग सिटीज़ और विलेज में, इन लार्ज सिटीज़ वी कैन सी मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, पीपल ट्रेवल इन कार, बस, लोकल ट्रेन्स, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा एंड बाइसिकल्स इन सम लार्ज सिटीज़ लाइक दिल्ली। देखिए बेटा छोटे शहरों में लोग क्या करते हैं, व्हीकल का यूज़ करते हैं, यानी लोकल बस, कार, ट्रेन, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लार्ज सिटीज़ में, जैसे लार्ज सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, जयपुर एंड कोलकाता, देयर आर स्पेशल ट्रेन्स कॉल्ड मेट्रो ट्रेन्स, यहाँ सारी सिटीज़ में क्या होती हैं बेटा, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, ठीक है, स्पेशल ट्रेन चलती है जिसे क्या बोलते हैं, मेट्रो ट्रेन बोलते हैं, ओके। अब देखिए दिस ट्रेन्स मूव अंडर द ग्राउंड एज वेल एज ओवर द ग्राउंड, और ये ट्रेन्स कहाँ पर मूव करती हैं, ग्राउंड के ऊपर मूव करती हैं, ठीक है, यानी पटरी पर होती है ना, वो कहाँ बनी होती हैं, ग्राउंड के ऊपर तो बनी होती है। अब देखिए एज देयर आर मैनी पीपल लिविंग इन दिस सिटीज द नंबर ऑफ व्हीकल इज़ वेरी हाई, दिस इज व्हाई कैन सी ट्रैफिक जैम्स इन दिस प्लेसेस, ट्रैफिक जैम्स हैपन व्हेन देयर आर टू मैनी व्हीकल्स ऑन अ रोड एट द सेम टाइम, ट्रैफिक जाम कब लगता है बेटा, जब सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा ही व्हीकल्स आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। पीपल स्टक इन ट्रैफिक जैम्स ऑफन हॉन्ग द हॉर्न्स लाउडली, दिस कॉजेस नॉइस पोल्यूशन, और जब एक साथ ढेर सारे बेटा व्हीकल्स हो जाते हैं तो क्या होता है, लोग एक दूसरे को हॉर्न देते हैं तो उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। टू मच नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज डीफनेस, और नॉइस पोल्यूशन से हम लोग क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। द स्मोक फ्रॉम सो मैनी व्हीकल ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन, और यही सारे कॉजेज होते हैं एयर पोल्यूशन के। द ट्रैफिक पुलिस एंड ट्रैफिक लाइट्स हेल्प टू रिड्यूस दिस जैम्स, या ट्रैफिक लाइट की हेल्प से ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, ट्रैफिक जाम को खाली कराती है। इन दिल्ली बसेज एंड ऑटो रिक्शा रन ऑन CNG, देखिए बेटा दिल्ली और दिल्ली में बस और ऑटो रिक्शा रन करते हैं कहाँ पर, CNG से रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन विलेज द नंबर ऑफ पीपल इज लेजर देन इन सिटीज़, दे यूज स्मॉल कार्स, बसेस, स्कूटर, बाइसिकल एंड कार्स पुल्ड बाय एनिमल्स, छोटे शहरों में बेटा गांव वगैरह में क्या किए जाते हैं, यानी स्कूटर बाइकल्स का यूज़ किए जा बाइकल्स बाइसिकल यानी साइकिल का यूज़ किया जाता है पुल्ड बाय, और एनिमल्स के द्वारा भी कुछ बहुत सी चीज़ यानी बहुत से छोटे छोटे व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। सिंस देयर आर लेजर व्हीकल्स वी डू नॉट सी मच ट्रैफिक देयर, और इससे क्या होता है बेटा ट्रैफिक जैम नहीं लगते हैं। द एयर इज़ ऑल्सो लेस पॉल्यूटेड
एंड देयर इज़ लेस नॉइज़ फ्रॉम व्हीकल। और ऐसे बेटा व्हीकल यानी इन सभी चीज़ों से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, और व्हीकल से क्या होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड सेव फ्यूल, किस तरीके से पोल्यूशन फैलता है और कैसे हम लोग फ्यूल को सेव कर सकते हैं। वी शुड ट्राई टू सेव फ्यूल एंड कट डाउन एयर पोल्यूशन। देखिए बच्चों, अगर हम लोग फ्यूल को हमें क्या करना चाहिए, फ्यूल को सेव करना चाहिए और एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। वी कैन यूज़ व्हीकल लाइक साइकिल एंड रिक्शा विच डू नॉट नीड एनी फ्यूल। देखिए बच्चों, किस तरह हम सेव कर सकते हैं, यानी हम लोग साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, रिक्शा का यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या नहीं लगता है, इसमें फ्यूल नहीं लगता है, ईंधन नहीं लगता है। वी शुड यूज़ व्हीकल दैट रन ऑन द CNG और इलेक्ट्रिसिटी। और ये किससे चलते हैं, CNG और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, अब देखिए बच्चों, हैव यू बीन इन ट्रैफिक जाम, हाउ डिड यू फील। क्या आपने ट्रैफिक जाम को देखा है, अगर देखा है तो आप कैसे फील करते हो, ठीक है, देखा होगा ना। अब देखिए, वी शुड यूज़ बसेस इंस्टीड ऑफ आवर ऑन कार्स। हमें क्या करना चाहिए, बसेस और कार्स का, यानी बस के बजाय हमें क्या करना चाहिए, कार का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वॉकिंग और साइकिलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज हेल्पिंग इन सेविंग फ्यूल। हमें टहलने के लिए यानी कहीं जाने के लिए साइकिल का यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, इससे क्या होते हैं, हमारे फ्यूल सेव होते हैं। टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, सिटीज शुड हैव साइलेंट एरियाज नियर हॉस्पिटल स्कूल etc। यानी बच्चों, जब यानी नॉइस पोल्यूशन, कुछ शहर ऐसे होते हैं जो जहाँ पर शांत एरिया होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स स्कूल वगैरह होते हैं। ड्राइवर शुड नॉट बी अलाउड टू हॉन्ग देयर हॉर्न्स इज दिस प्लेसेस। प्लांटिंग ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। यानी बच्चों, क्या होते हैं कि यानी जहाँ पर स्कूल हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, हॉन्क वगैरह नहीं करना चाहिए, हॉर्न नहीं देना चाहिए, इससे क्या होते हैं, नॉइस पोल्यूशन होते हैं, ठीक है। और अब देखिए बच्चों कि क्या करना चाहिए, हमें प्लांटिंग ट्रीज करना चाहिए, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाने चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन ना हो। वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स, यानी देखिए बच्चों, वैल्यूज इन लाइफ स्किल। वी शुड ट्राई टू सेव फ्यूल एंड वॉक और साइकिल टू नियर बाई प्लेसेस। हमें सेव यानी फ्यूल को सेव करना चाहिए और कहीं पास की जगह पर जाने के लिए साइकिल का यूज़ करना चाहिए। दिस विल ऑल्सो कट डाउन ऑन एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। और इससे क्या होते हैं, यानी नॉइस पोल्यूशन, जैसे अगर हम लोग कम व्हीकल का यूज़ करेंगे तो नॉइस पोल्यूशन क्या होंगे और एयर पोल्यूशन कम होंगे, ठीक है बच्चों। अब ये आपके रिमेंबरिंग पॉइंट दिए गए हैं। ट्रैवलिंग हैज़ बिकम ईजियर विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। यानी बच्चों, जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, इससे हमारे ट्रैवलिंग आसान हो गए। वी यूज डिफरेंट व्हीकल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम लोग डिफरेंट, यानी बच्चों, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए डिफरेंट तरीके का व्हीकल का यूज़ करते हैं। सम व्हीकल मूव ऑन द रोड, सम ऑन ट्रैक ट्रक्स, सम इन द एयर एंड सम ऑन द वाटर। कुछ व्हीकल होते हैं जो रोड पर मूव करते हैं, कुछ ट्रैक्स पर मूव करते हैं, और कुछ एयर में मूव करते हैं, और कुछ वाटर में मूव करते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया ही। मोस्ट व्हीकल नीड सम फ्यूल टू मूव। और मोस्ट व्हीकल बेटा मूव करने के लिए उन्हें फ्यूल की ज़रूरत होती है। लार्ज सिटीज़ हैव मोर व्हीकल देन विलेज। लार्ज सिटीज़ में क्या होता है, व्हीकल यानी बेटा लार्ज सिटीज़ में बहुत ज़्यादा व्हीकल होते हैं। सम व्हीकल कॉजेज नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। और सभी व्हीकल्स से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का कॉजेज बनते हैं। ये बच्चों आपकी वर्ड मीनिंग है। ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा का, इन्वेंशन मीन्स खोज, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, फ्यूल मीन्स ईंधन, ट्रैफिक जैम मीन्स यातायात जाम, और डिफरेंस मीन्स पहरा। तो बच्चों ये देखिए, मैंने इधर आपका ACN भी लिख दिया है और इधर आपकी मीनिंग लिखी गई है, ठीक है, और ये वर्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो से ही देखकर उस भी चैप्टर का, और अगर उस चैप्टर का नहीं हुआ होगा तो उस चैप्टर का भी राइट करना है और इसको भी राइट करना है, ठीक है बच्चों, देख लिया ना आपने, आपको ठीक है इसी से करना है, वीडियो से ही देखकर। अब देखिए ये बचा है आपका एक्सरसाइज। अब देखिए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो इसे भी आपको वीडियो से ही देखकर राइट करना है। और बचा आपका क्वेश्चन आंसर,
तो इसे भी आपको वीडियो से ही देखकर राइट करना है। और बेटा मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको रिवीजन क्लास में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उससे पहले बेटा मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ये देखिए आंसर फर्स्ट है अवे, ठीक है, अवे ऑफ कैरिंग गुड्स और फ्रॉम पीपल वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस ये थर्ड तक आपको करना है, ठीक है। तो सारा आप वीडियो से देखकर राइट कर लोगे। ओके, थैंक यू क्लास। माय कोड इज MPS EVS 196। थैंक यू।